आप सभी नाज़रीन का लज़्ज़त में एक बार फिर इस्तक़बाल है और एक शानदार रेसिपी के बाद अब बारी है एक और जायकेदार डिश को सीखने की। आइए देखते हैं कि क्या बन रहा है। हाय फ्रेंड्स, मैं रमनी रलन आपका वेलकम करती हूँ और आज हम आपको एप्पल क्रम्बल पुडिंग बनाना सिखाएंगे, क्योंकि आजकल एप्पल बहुत ही सीजन में है और उसको आप आराम से घर में बना सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एप्पल्स, मैदा, ब्राउन शुगर, बटर, पाउडर शुगर, बेकिंग पाउडर, सिनेमन पाउडर एंड लेमन। सबसे पहले हम एप्पल्स को एक बाउल में डालते हैं और इसके ऊपर हम डालेंगे ब्राउन शुगर अबाउट 2 टीस्पून। और एप्पल्स हमने एक एप्पल बड़ा लिया है जिसको हमने काटा है, एंड सिनेमन पाउडर 1/4 टीस्पून, पाउडर शुगर 1.5 टीस्पून एंड लेमन जूस थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम एक साइड पे रखते हैं और अब एक प्लेट में मैदा अबाउट 2 बड़े चम्मच मैदे के और इसमें पाउडर शुगर अबाउट 1/2 बड़ा चम्मच पाउडर शुगर का और ब्राउन शुगर अबाउट 1 टीस्पून, बटर, मक्खन 1 चम्मच भर के, बेकिंग पाउडर 1 पिंच एंड सिनेमन पाउडर 1 पिंच। सिनेमन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे मैदे को और मक्खन और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं हम अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करेंगे और इसको लाइक ब्रेड क्रम्स की तरह हम इसको शेप दे देंगे। इस तरह से टिप्स के साथ हम इसको इस तरह से क्रम करेंगे। दोस्तों, खाना बनाना भी एक बहुत बड़े आर्ट है, फन है, जिसको हम इंजॉय कर सकते हैं और इसमें भी बहुत मजा आता है कुकिंग करने में भी। अगर आपको मन में है कुकिंग करना तो आप इसको बहुत इंजॉय कर सकते हो और बहुत ही आसान होता है कुकिंग करना, बहुत मुश्किल नहीं है। ये देखिए, ये क्रम की तरह हमारे पास ये तैयार हो गए मैदे के। अब एक डिश लेंगे, इसमें ये एप्पल्स को हम डालेंगे नीचे और इसके ऊपर हम ये क्रम्स डाल देते हैं। और थोड़ा सा सिनेमन स्प्रिंकल कर देंगे ऊपर। सिनेमन से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है और इसको हम माइक्रोवेव में भी 5 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं या फिर हम OTG में इसको खाने से पहले आप इसको बेक करके और गरम गरम पुडिंग आप सर्व करेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी हम इसको ओवन में रख रहे हैं। इसको हम 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए लगा देते हैं और जैसे ही ये ऊपर से थोड़ी सी ब्राउनिंग हो जाएगी तो हम इसको सर्व करेंगे
आप वनीला आइसक्रीम के साथ सर्व करिए और भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। आइए देखते हैं, अभी हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी होगी। ये रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है, अब हम इसको सर्व कर सकते हैं गरम गरम वनीला आइसक्रीम के साथ और इसको बहुत ही एंजॉय कर सकते हैं। गरम गरम रेसिपी अगर आप वनीला आइसक्रीम के साथ खाते हैं तो बहुत ही मजेदार लगेंगे। एप्पल क्रम्बल बनाने के लिए हमें चाहिए सेब कटे हुए एक अदद, मैदा 3 चमचे, ब्राउन शुगर 3 चमचे, बटर 1 चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चुटकी, पाउडर शुगर 1 चमचा, दालचीनी पाउडर 1/4 चमचा, नींबू कटा हुआ थोड़ा सा। एप्पल क्रम्बल बनाने का तरीका, एक बॉल में एप्पल, ब्राउन शुगर, दालचीनी पाउडर, पाउडर शुगर और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब एक प्लेट में मैदा, पाउडर शुगर, ब्राउन शुगर, बटर, बेकिंग पाउडर, दालचीनी पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब एक डिश में एप्पल डालें, ऊपर से मैदा क्रम्स और दालचीनी पाउडर डालकर 180 डिग्री पर बेक करें। 10 मिनट के बाद निकाल कर वनीला आइसक्रीम के साथ सर्व करें।